ये है दिल्ली दर्पण। राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। अब तक हमने आपको दिखाया कि दिल्ली के दिल में क्या है, जनता किसकी सरकार बनाएगी, ये हमने आपको दिखाया। लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से दिल्ली किसकी सरकार बनने वाली है दिल्ली में। तो हमारे साथ है निर्वेश गोयल, आप इनके कद पे न जाइएगा, कई डिग्रियां इन्होंने की है, 12 साल का ज्योतिष का अनुभव है और मैंने भी व्यक्तिगत रूप से कई बार इनसे चर्चा की है तो इनकी भविष्यवाणियां ज्यादातर सही साबित हुई। तो सोचा कि क्यों ना आज दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, इस पर ज्योतिष विज्ञान क्या कहता है, इस पर हम एक बातचीत करेंगे। तो निर्वेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली दर्पण टीवी पे। मुझे बताइए कि दिल्ली के दिल में क्या है, लोगों ने बताया सट्टे बाजार भी कह रहा है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने वाली है, तो क्या है बीजेपी की स्थिति ग्रहों के अनुसार? ग्रहों के अनुसार 24 जनवरी से जब से शनि ने राशि परिवर्तन किया है तो बीजेपी की स्थिति बेटर होती जा रही है डे बाय डे, क्योंकि शनि का और बीजेपी का रिलेशन बहुत पुराना है। अगर हम पीछे 1984 में जब बीजेपी की 2 सीट आई थी, जब भी अगर बीजेपी की कुंडली देखे तो दशा शनि की थी। 2014 में जब पूर्ण बहुमत आई कि बीजेपी कभी सरकार नहीं आएगी, एक तरफा नहीं आएगी, जब शनि उच्च का था और बीजेपी के लगन में बृहस्पति था, तो डे बाय डे आप देखोगे स्थिति होती जा रही है। और 8 जनवरी को जिस दिन मतगणना है उस दिन आप देखोगे कि शनि का नक्षत्र है और शनिवार है। आप पीछे यूपी के चुनाव में चले जाओ, उसमें स्टार्टिंग आपकी शनिवार से हुई थी, एंड आपका शनिवार से हुआ था, तो सब कुछ फेवरेबल। जो शनि महाराज है वो कर्मों के दाता है, तो जो धर्म के ऊपर या जो माहौल बदल रहा है वो बीजेपी के पक्ष में जा रहा है, तो कोई उलटफेर हो जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये कहना गलत होगा कि आम आदमी पार्टी एक तरफा जीत रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कोई कहता है कि भाई सट्टे बाजार कह रहा है कि आम आदमी पार्टी आएगी, कभी कुछ आएगी, पीछे चुनाव। आजकल लोगों के मन की बात जानना बहुत मुश्किल है और ग्रहों की स्थिति देखे तो चीजें बीजेपी के फेवर में जा रही हैं। नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी के बारे में लोग खुल के बात कर रहे हैं, हम लोग जगह जगह इलाके में गए हैं, हर 10 में से 6-7 आदमी 8-8 आदमी आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहा है और लोग खुल के बोल रहे हैं। पहले खुल के बोलते नहीं थे, लेकिन अब ज्योतिष, हमने कई ज्योतिषियों से बात की है, आपसे भी बात की है, काफी तथ्य और तर्कों के साथ उन्होंने माना है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने वाली है, तो क्या बड़ी वजह है? आप 2019 के चुनाव पे आ जाओ, जब सब सर्वे दिखाते थे, सट्टे बाजार दिखाते थे, लोग भी कहते थे कि GST आ गया, नोटबंदी आ गई, ये 225 सीट आएंगी, 200 सीट आएंगी, बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी। पर उस टाइम भी शनि बैटर हुआ और शनि बैटर हुआ, आप देखो 300 से पार आंकड़ा चला गया, ग्रहों की स्थिति बिल्कुल फेवरेबल है। मतलब आने वाला टाइम, जो मोदी जी ने थोड़े दिन पहले कहा था कि भारत 3 सुपर महाशक्तियों में आएगा, तो भारत की अगर हम कुंडली देखें तो भाग्य स्थान पे शनि का गोचर, तो चीजें फेवरेबल है। आने वाले 5 साल में दुनिया में भारत का डंका बजेगा तो बजेगा। और मैं आप दिल्ली की बात कर रहे हो, मैं आने वाले स्टेट्स में भी कह रहा हूँ, जो 2-3 स्टेट जो पॉइंटों पर चली गई हैं, पुराने साथी वापस आएंगे और दोबारा वहां सरकार का गठन होगा। लेकिन अभी तो आप कह रहे हैं कि भारत का डंका बजेगा, मोदी जी का डंका बजेगा, अभी तो सोशल मीडिया पे हम देखें या हम ग्राउंड पे जा रहे हैं, बीजेपी का बैंड बजा हुआ है। देखो जी, ग्राउंड पे क्या है क्या नहीं, हम ग्रहों की बात कर रहे हैं, आप एक एस्ट्रोलॉजर से बात कर रहे हो तो वो ग्रहों की बात करेगा। आप सूट बूट में मेरे पास आए हो, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपको लाइफ में क्या चल रहा है, वो हमें ग्रह बताएंगे, हमें नहीं बताइए आप हमें क्या बताएंगे। तो ग्रह की पोजीशन बेटर हो रही है और वो बीजेपी के पक्ष में जा रही है। आप आज के टाइम में अगर आप इंटरव्यूज देखोगे, चीजें देखोगे टीवी पे, तो पहले जुबान पे नाम नहीं था, 24 तारीख से आप पहले देख लो तो नहीं था, लोग कहते थे। आज आप रिसेंटली, आप 1-2 दिन पहले केजरीवाल जी की इंटरव्यू भी देख लो, उनको भी थोड़ा एहसास हो रहा है कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है, इसका संदेह लगाया जा रहा है। तो अभी से, मतलब जिसने काम पे जो वोट मांग रहा है वो अभी से ये बात कर रहा है, अगर ईवीएम की बात होती तो फिर महाराष्ट्र क्यों जाता, एमपी क्यों जाता, तो मतलब इंडिकेशन मिल रहे हैं ग्रहों से कि बीजेपी की पॉजिटिविटी जा रही है। शनिवार का दिन है, शुभ दिन है, बीजेपी के फेवर में जाएगा। तो कह रहे कि जो 3-4 स्टेटों में जो बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, ग्रह ठीक नहीं थे, क्या खराबी थी? बीजेपी की मिथुन लगन की कुंडली है और जो साथी का कारक है उनका बृहस्पति है 7वें घर का, वो अपने से 12वें गोचर कर रहा था और मिथुन लगन से लगाए तो वो शत्रु के पास जाकर बैठ गए, उनकी तसल्ली वहां भी नहीं है और वो बैठ गए। जैसे नवंबर में बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया, अभी दिल्ली चुनाव का वेट हो रहा है, और जैसे वो बृहस्पति लगन को देखेगा तो दोस्त, पुराने दोस्त दोबारा मिलेंगे और जो सरकारें गई हैं वो दोबारा बनेगी।
हरियाणा और एमपी वगैरह, एमपी में और महाराष्ट्र में मेरे को लगता है आने वाले दो से तीन महीने में सरकार आपको दोबारा बीजेपी की दिखा दूंगा। कितना बहुमत मानते हैं, क्या कितनी सीटें मानते हैं दिल्ली में, क्या कोई तोड़ फोड़ से बनेगी क्या? देखो जी, सीटों का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। 70 कैंडिडेट है एक पार्टी के, 210 कैंडिडेट है, हमारे पास सबकी पत्रियां नहीं होती है, सबके डाटा हमारे पास क्लियर नहीं होते हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल ए नाम से मेष राशि होगी, अमित शाह भी तो मेष राशि है, तो फिर वो अरविंद केजरीवाल इस बार आप देख रहे हो अमित शाह जी जोर लगा रहे, तो ए को ए काट रहा है, उनके भी कर्म स्थान पर शनि चल रहा है, उनके भी कर्म स्थान पर शनि चल रहा है, तो जो ये अमित शाह का जो आना हुआ है, अमित शाह जी का जो चुनावी दौर वो सड़क में जा रहे हैं, वो ग्रहों की पोजीशन बता रही है कि आने वाले चीजों में चीजें फेवरेबल होंगी और बहुत कुछ उठा पटक 8 के बाद आप देखोगे और एट द एंड बीजेपी की पॉजिटिविटी आएगी। जो पिछली बार 3 सीट कह रहे थे कि 3 आएंगी और अब भी कह रहे 60, कोई कह रहा 70 आ जाएंगी, हलवा थोड़ी है भाई, ऐसा नहीं है, ग्रह बिल्कुल फेवर में बीजेपी के हैं। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली करें शनि मंगल गुरु तीनों बीजेपी के फेवर। अच्छा, ये ग्रहों को ठीक करने का कोई उपाय भी है क्या? आम आदमी पार्टी ऐसा क्या उपाय करे कि उसके ग्रह ठीक हो जाए? क्या सलाह देंगे उस आम आदमी पार्टी दर्शक देव में? भाई यही सलाह देंगे, फ्री का ढिंडोरा ना पीटे, फ्री से कुछ नहीं होगा देश की तरफ। अगर आपको मैं फ्री में बिजली दे दूंगा, पानी दे दूंगा, आप कमाना छोड़ थोड़ी दोगे? इच्छाएं भी तो होती है लोगों की, तरक्की देखोगे क्या? अमेरिका ने कौन सा फ्री में पानी दे दिया, रशिया ने किसने दे दिया? कि झूठे वादे अपने राव को इतना एक्टिवेट मत करो कि झूठ का बुनियाद आप बुनते जाओ। तनख्वाह भी तो दो लोगों की, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे तो जाओ, क्या घाटा चल रहा है? आप DTC में फ्री कर दी, एक कंडक्टर की तनख्वाह 40,000 रुपये है, एक ड्राइवर। हम ज्योतिष की बात कर रहे हैं। हाँ, ज्योतिष के हिसाब से आम आदमी पार्टी को ये सलाह है कि लोगों को सच्चाई बताओ, सलाह दो, शनि कर्म प्रधान देश है, वो कर्मों की सजा देगा। लेकिन अभी तक तो जो ज्योतिष सलाह देते हैं कि पूजा करो, पीपल पर ये चढ़ाओ, तेल चढ़ाओ, मतलब इस तरह के कर्मकांड के उपाय बताए जाते हैं, आप तो पॉलिटिकल उपाय बता रहे हो। मैं पॉलिटिकल उपाय, अब मैं किसको उपाय बताऊं? केजरीवाल जी को बताऊं, उनके 70 विधायकों का बताऊं? वो करेंगे नहीं, पार्टी का, आम आदमी पार्टी का बताइए। जैसे बीजेपी, बीजेपी आपने जो प्रेडिक्शन किया है वो बीजेपी के पार्टी के जन्म के आधार पर किया, तो आम आदमी पार्टी का भी आज मैं आगे बोलता हूँ। 2014 में ये, 15 में ये आ गए थे, उसके बाद इन्होंने पंजाब भी लड़ा, मुंबई भी लड़े, बहुत स्टेटों में लड़े, दिल्ली में ही देख लो आप, निगम पार्षद के चुनाव लड़े, कहीं पे भी इन्होंने नहीं बनाए, तो इन्होंने अपने में गठन किया ही नहीं, ग्रह इनके ग्रह विपरीत जा ही रहे। कुमार विश्वास जी ने तोड़ दिया एक, मैं आपको अभी एक बात बता रहा हूँ, इंटरनली इनके पार्टी में आने वाले टाइम में फूट पड़ेगी और कोई बड़ा नेता इनको दगा देगा। एस्ट्रोलॉजिकली इनकी सलाह है कि अपनों को अपना के रखे, उनसे छल कपट ना करें, वरना ऐसी चोट पड़ेगी कि वो भर नहीं पाएंगे। तो आने वाले टाइम में क्या प्रेडिक्शन दे रहे हो, दिल्ली में लंबा राज जो है किसका चलेगा? देश की तरक्की है तो जी फेवरेबल बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बीजेपी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर आपके सॉफ्ट? क्या देखिए, ज्योतिष क्या कहता है वो एक अलग विषय है, आपका दिल क्या कहता है ये एक अलग विषय है। तो जो आप कह रहे हैं वो आपका दिल कह रहा है या कोई ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से आप कह रहे हो? मैं ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से कर रहा हूँ, आप एस्ट्रोलॉजर से बात कर रहे थे, वो ज्योतिष के, मैं ना मैं मोदी जी से मिला, मैं ना केजरीवाल जी से मिला, ना मैं किसी पार्टी के उससे मिला, मैं तो जो ग्रहों के कम्बिनेशन कहते हैं कि भाई ग्रहों के कम्बिनेशन है कि भाई साइंस है एस्ट्रोलॉजी, तो उस कम्बिनेशन के आधार पर मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में बीजेपी के फेवरेबल भी हैं। ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी आसानी से सरकार बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और आने वाले 2-3 दिन में आप देखेंगे कि TV पे क्या क्या रूमर्स चलेंगी और तब तक कैसे उनके मुंह से सुनोगे कि वो हार मान लेंगे। नहीं, एक बार जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको एक बार फिर बताओ कि बीजेपी के ग्रहों की स्थिति इस समय क्या है, उनकी जीत का आधार जो आप सरकार बनाने की बात कह रहे हो उसका आधार क्या है? बीजेपी की जीत का आधार है बृहस्पति और शनि। बृहस्पति उनके सप्तम घर में चल रहा है और उनके लगन को देख रहा है और उनके लाभ को देख रहा है। राम मंदिर का मैटर भी नवंबर में आया था। बृहस्पति क्या है? देवता, गुरु, पूजा पाठ, धर्म। बृहस्पति गुरु है तो टीचर, इन चीजों से रिलेटेड है। तो बृहस्पति का जो बीजेपी का जो मुद्दा रहता है वो हमेशा राष्ट्रवाद का मुद्दा रहता है, जो मतलब उनका मुद्दा ठीक है, धर्म, राष्ट्रवाद, किसी के साथ गलत नहीं करना, और फटाफट डिसीजन ले रही है चाहे वो राज्यसभा में हो ना हो, उनको करना है, क्योंकि बीजेपी की जो कुंडली और जो भारत की कुंडली है दोनों फेवरेबल जा रही है। राशि एक राशि एक नहीं है, फेवर दशाएं मैच करती है, जो शनि भारत की कुंडली को भी शनि बनाए, भारत और बीजेपी क्या है, भारत को भी आगे शनि बनाएगा और बीजेपी को भी शनि बनाएगा। आप पिछला डाटा निकाल लो बीजेपी की कुंडली।
देगा, जब जब शनि बैटर हुआ है बीजेपी ने किसी ना किसी जगह पे सरकारें बनाई है। 1984 से आप स्टार्ट कर दो, जब शनि का टाइम दशा थी, 82 में पार्टी का गठन हुआ था, 82 में दशा स्टार्ट हुई थी, 85 तक चली थी और 84 में दो सीट जो आई थी वो शनि के टाइम पे हुई थी और जहां से उनका ग्राफ स्टार्ट होना शुरू हो गया। थोड़ा उनका जो कॉम्बिनेशन है थोड़ा राहु एक्टिवेट रहता है, इसलिए थोड़ा सा वो किसी भी चीज को कहने में या कहने में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है, पर उनका मोटो और विजन क्लियर है कि जो हमने कह दिया, जो वादा कर दिया वो कर दिया, उन पे कोई वो नहीं है, डंके की चोट पे वो कर रहे हैं। प्लैनेट बीजेपी के फेवर में है आने वाले टाइम पे और वो आपको आने वाले टाइम पे दिख जाएगा। तो बिल्कुल आपने सुना कि हमने बहुत सारे ज्योतिषियों से बात की, सबका ये कहना था कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाएगी, ग्रह जो है ग्रह चाल पूरी बीजेपी के अनुकूल है। तो निर्वेश जी ने भी हमें यही बताया, इसलिए लंबी बातचीत की कि पता लगे कि जो ये कह रहे हैं इसके पीछे ठोस तथ्य तर्क और आधार क्या है। तो इस छोटे से ज्योतिषाचार्य की जो घोषणा है ये बहुत बड़ी है, कई स्टेट में सरकार बीजेपी बनाने वाली है, तोड़फोड़ की बात इन्होंने की है। अब ये सब बातें कितनी सच निकलती हैं ये आने वाली 8 तारीख के बाद जो परिणाम आएंगे 11 फरवरी को उसमें हिसाब हो जाएगा। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए राजेंद्र स्वामी।